नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर के बस्ती गुजा इलाके में दिन दिहाड़े दुकान में घुसकर नशेड़ी युवकों ने दुकानदार का किया कत्ल, 8,000 की नकदी लूट हुए फरार। फिरोजपुर के गांव वाह में तेज तूफान ने मचाई तबाही, पशु खुराक फैक्ट्री की शेड उड़कर 1 किलोमीटर खेतों में उड़ी। जालंधर के बीएसएफ हेडक्वार्टर में हॉकी ग्राउंड का उद्घाटन करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। और अब हलचल विस्तार से। जालंधर के अधीन आते बस्ती गुजा इलाके में दिन दिहाड़े दुकान में घुसकर कुछ नशेड़ी युवकों ने दुकानदार का तेजधार हथियारों से हमला कर कत्ल कर दिया, जिस कारण इलाके में सनसनी फैल गई। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई है। इस मौके पर इलाका निवासियों ने बताया कि दिन दिहाड़े किराने की दुकान में घुसकर एक युवक का चाकू घोंपकर कत्ल कर दिया गया और गले में पड़ी 8,000 रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए। उन्होंने कहा कि इलाके में नशेड़ी आम घूमते रहते हैं, जिसके चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। मृतक व्यक्ति की पहचान परमजीत सिंह अरोड़ा के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जगमोहन की रिपोर्ट। परमजीत अरोड़ा जी, इतने बस्ती बजा लम्बा बाजार है, बाजार में लाई है। इतने मोमो ने 6:30 बजे दुकान खोली थी। इन्होंने कहना यहाँ दिखा देना कि 6:30 बजे दुकान इन्होंने शटर खोलिया, तो कोई रंग छोटा बंदा आया तो इन्होंने मतलब छुरा मार के इन्होंने मार के चला गया। उस वक्त इन्होंने साहस लिया, इन्होंने बाइक थी, इन्होंने जो उन्होंने सिविल हस्पताल लिया तो उसे सिविल हॉस्पिटल। जलंधर तो पंकज, दैनिक सवेरा टीवी। फिरोजपुर के गांव वाह में तेज तूफान ने तबाही मचा दी, जिसके चलते पशु खुराक फैक्ट्री की शेड को तेज हवा उड़ाकर 1 किलोमीटर दूर तक ले गई, जिसके बाद हुई बारिश ने लाखों रुपयों का नुकसान कर दिया। तो वहीं लोगों ने शेडों की छतों को आसमान में उड़ते हुए देखा। इस दौरान फैक्ट्री के करीब रह रहे गांववासी गुरमीत सिंह ने बताया कि ये तूफान बहुत तेजी से आया और बवंडर बनकर घूमता हुआ फैक्ट्री में गया और फैक्ट्री की छत को उड़ा ले गया, जो कि 1 किलोमीटर दूर खेतों में जाकर गिरी। उसके बाद तेज बारिश ने अंदर पड़े करोड़ों के सामान को तहस नहस कर दिया। वही फैक्ट्री मालिक रूप नारायण सिंगला ने बताया कि जितना भी फैक्ट्री में माल भरा हुआ था सब बर्बाद हो गया, जिस कारण उनका करोड़ों रुपयों का नुकसान हो गया है। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। मैं रूप नारायण सिंगला, फिरोजपुर कैंप का रहने वाला हूं। मेरी फैक्ट्री वाह पिट लगी हुई है। जदों तकरीबन 2 बजे मैनू फोन आया, मेरे कर्मचारी ने फोन किया भी बहू जी अपना सारा शेड उड़ गया बवंडर नाल। तो फिर मैं उतों कार तो भजया आया, इतने आके देखा तो मेरा शेड जरा सारा उड़ गया सी। खेतों के बहुत दूर जाके मतलब कि भी डिग्या, तो जिदे मेरा बहुत व्डा नुकसान हो गया करोड़ों दिन मतलब लगता रुपया का। उस तो बाद मैं जो देखा तो मेरा माल भरया हुआ सी गोदाम, वो भी सारा पानी बरसात तेज होने का सारा पानी बिच पै के वो भी सारा खराब हो गया माल। ये किन्ना नुकसान हो गया जी? ये 2,00,000 का नुकसान हो गया जी। ये तो देखेंगे हम हिसाब ला के की है। मेरा नाम गुरमीत सिंह है जी। मैं मौके पर खड़ा सी जी जो बारिश आई है। इन्नी नेरी तेज आई, इन्ना तूफान आया, इन्होंने सारा कुछ ही डाके ले गए। जो भी इन्ना नुकसान, इन्ना ज़्यादा नुकसान, बहुत ज़्यादा नुकसान सारा इन्हों का। जो अंदर समान पाया वधी पाया, जो सारा बरादा पाया सारा भिज गया। इन्ने जोर दी जिमें जहाज उड्डे फिरते थे, इन्निया चादर तो उड्डिया फिर। मैं ए मौके से जमा बारिश आ गए, सामने मकान है, वो मकान से बार खड़ा सी।
ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਬਾਊ ਜੀ ਨਾਲ, ਬਾਊ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਊ ਜੀ ਆ ਕੇ ਵੇਖੇ। जालंधर के बीएसएफ हेडक्वार्टर में बीएसएफ हॉकी ट्रफ ग्राउंड का उद्घाटन करने के लिए मुख्य तौर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे। इस दौरान सबसे पहले उन्होंने पूजा की और उसके बाद ग्राउंड का उद्घाटन किया। इस दौरान हॉकी के शॉट खेलते हुए भी वे नजर आए। मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि खेलो इंडिया मुहिम के तहत भारत सरकार ने यह ग्राउंड बनवाया है। अगर बात की जाए तो आर्मी का खेलों में भी बड़ा योगदान रहा है। मिल्खा सिंह और पान सिंह तोमर जैसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की सोच है कि ज़्यादा से ज़्यादा खेलों को प्रोत्साहित किया जाए ताकि नौजवान पीढ़ी नशों से दूर रह सके। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जहाँ एक और बजट को 3 गुना से ज़्यादा बढ़ाया है, वहीं पर बहुत सारी योजनाएं खिलाड़ियों के लिए चलाई है जिसमें टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और अन्य खेलो इंडिया सेंटर्स, जो 1000 सेंटर्स हम देश भर में खोल रहे हैं। इसी के चलते बीएसएफ, जिसका बहुत बड़ा योगदान भारत की रक्षा सुरक्षा में है, वहीं पर बीएसएफ ने आज यहां पर लगभग 6 करोड़ रुपये की लागत से शानदार हॉकी एस्ट्रोटर्फ का निर्माण किया है। ये भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा दिया गया पैसा, मैं डीजी साहब श्री नितिन अग्रवाल जी का और उनकी टीम का आभार प्रकट करता हूं कि समय से पहले उन्होंने इसको तैयार किया ताकि खिलाड़ियों को सुविधाएं मिल सके। बीएसएफ का बहुत बड़ा योगदान भारत की खेलों में भी है, जैसे उनका सुरक्षा के क्षेत्र में भी है। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हमारे हुए जिन्होंने फौज में रहकर भी खेलों के प्रति बहुत बड़ा योगदान दिया, चाहे मिल्खा सिंह जी की बात करें, पान सिंह तोमर जी की बात करें, अन्य अजीतपाल जी से लेकर बाकी अन्य खिलाड़ियों की बात करें, इन सबका योगदान था। हॉकी की बात करूं तो भारत को 3 गोल्ड मेडल मेजर ध्यानचंद जी ने, तो बलबीर सिंह सीनियर जी ने 3 गोल्ड मेडल, तो एक समय ऐसा था कि भारत का स्वर्णिम दौर अगर मैं कहूँ हॉकी में था। और फिर एक बार 40 वर्षों के बाद अगर टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल भारत की टीम जीत पाई तो अपने आप में वो सुनहरा पल 40 वर्षों के बाद आया, क्योंकि मोदी सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने का कार्य किया और हमारे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। पंजाब सरकार ने धान की बिजाई के लिए नहरों में पानी छोड़ने की बात की गई थी और नहरी विभाग द्वारा नहरों में पानी छोड़ा भी किया, लेकिन नहरी विभाग और सैनिटेशन विभाग की लापरवाही का नतीजा इस नहर के आसपास रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं नहरी विभाग द्वारा नहरों की सफाई ना करना और सैनिटेशन विभाग द्वारा नहरों की लीकेज को ना चेक करना पाया गया है। और अब बात यहां तक पहुंच गई है कि डीएवी कॉलेज के साथ लगती बिस्त दुआब नहर में लीकेज शुरू हो गई है और लीकेज के कारण फ्रेंड्स कॉलोनी के साथ लगती सड़क पर गड्ढे पड़ गए हैं। तो वहीं मौके पर पहुंचे नहरी विभाग के अधिकारी यश ने बताया कि उनकी ओर से लीकेज को चेक कर पानी के रिसाव को बंद करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं बिजली विभाग की ओर से इलाके की बिजली को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मैं जी पहला सारे ना पहला नहरी विभाग में शिकायत की, उस तो पहला मैं जई साहब कारपोरेशन भी शिकायत की है, उस तो बाद जिन्होंने पैपा पाइया उन्होंने भी किया वा, पर मौके पर जोड़ा नहरी विभाग वाले आए हैं, क्योंकि नहरी विभाग वाले डंगे डूंगे जोड़े है वह भी इन्होंने तोड़े हुए हैं, उनके करके इन्होंने जी थले पैप पाई है। यह रॉयल इनकलेव जी बनी है कलोनी, इन्हें पहला होंगे सी खेत, खेतों में पानी जाता ही, वो उन्होंने पता नहीं बंद किया नहीं किया, हाले फिलहाल थोड़ा 2 घंटों से इतने इन्ना कु है सिस्टम के कहना मतलब कि सारा वो इतों 15-20 फुट पानी थले घूम गया। मे बी जदों इन्होंने सीवर का पाइप इंस्टॉल किया है उदों कोई ना कोई दिक्कत आई है, तो उस तो बाद हो नाले जी इन्होंने मिट्टी पाई वो कॉम्पैक्शन नहीं सही तरह हुई, जिद करके पाइपिंग एक्शन करके ना वाटर की सीपेज हो रही है उधर, तो आप कोशिश कर रहे हैं साढ़े तो जिन्ना क हो सकता
साढ़े बंदे लगे हुए हैं जिन्हें देख सकते हो। उन्होंने आपता है फोन, वो कह रहे हैं वो नाल आन गए, ठेकेदार जो भी आएगा मशीन लैके, पर हजे तक वो पहुंचे नहीं है। वर्ल्ड नारकोटिक ड्रग्स अवेयर के तहत बरनाला पुलिस फोर्स की तरफ से बरनाला के संवेदनशील इलाके पर सर्च ऑपरेशन के तहत छापेमारी की गई और संवेदनशील बस्तियों में जाकर घरों की छानबीन की गई। इस दौरान जो लोग नशा करते या नशा बेचते पाए गए तो उन पर बनती कार्रवाई की गई। इस संबंधी डीएसपी गुरबचन सिंह ने बताया कि देश दुनिया में फैले नशे के कारोबारी और नशा करने वाले लोगों के प्रति जागरूक करने के लिए और नशा विरोधी मुहिम के तहत पिछले 12 जून से लेकर 26 जून तक डबल सप्ताह के चलते पुलिस प्रशासन की तरफ से लोगों को नशे के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी संदर्भ में पुलिस फोर्स की तरफ से बरनाला पुलिस फोर्स की तरफ से साइकिल और पैदल रैली पूरे शहर में से निकाली गई, जिसमें छोटे छोटे बच्चों सहित शहरवासियों और पूरी पुलिस फोर्स ने भाग लिया। मौके पर रैली में शामिल पुलिस प्रशासन अधिकारी और शहरवासियों ने इस जागरूकता रैली का धन्यवाद करते हुए कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से काफी अहम प्रयास हैं जिसकी वे सराहना करते हैं। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। मिति 12/6/2023 तो लेके 26/6/23 तक वर्ल्ड नारकोटिक ड्रग्स अवेयरनेस जिहड़ा डबल वीक चलाया जा रहा वा, जिहदे संबंध में अलग अलग फंक्शन सारे वर्ल्ड दे विच करवाए गए ने, जिन्हां विच नशियां दा एक मेन मुद्दा वा जिहनूं लैके सारे ही दुनिया दे विच चिंतित ने, जिस करके नशियां दे जो सौदागर ने जां जिहड़ा बेचदे ने जां जिहड़ा नशा करदे ने उन्हां नूं जागरूक करन लई ते नशियां नूं नत्थ पाउण लई उन्हां नूं फड़ के बिहाइंड दे बाहर भेजण लई अज एक स्पॉट ते विजिट करके रेड कीता गया वा, जिस दे संबंध विच सर्च कर रहे हां। अगर जेकर सानूं बरामदगी हुंदी आ ते उहदे खिलाफ कानून अनुसार कार्रवाई करके बिहाइंड दी बार भेजा जाएगा। हर वर्ष 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकना और अवैध दवाइयों के व्यापार को रोकना है। इस संबंध में अमृतसर पुलिस कमिश्नर की ओर से पुलिस पब्लिक साइकिल रैली पैडल फॉर चेंज का आयोजन किया गया। इस रैली का उद्देश्य लोगों में नशीली दवाइयों के दुरुपयोग के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना, समाज में स्वस्थ और नशा मुक्त जीवन शैली को बढ़ावा देना था। ये रैली गोल्डन गेट न्यू अमृतसर से शुरू होकर एलिवेटेड रोड, भंडारी ब्रिज स्टेशन व अलग अलग चौकों से होते हुए पुलिस DAV पब्लिक स्कूल में आकर संपन्न हुई। इस रैली में आम लोगों एवं पुलिस कर्मियों ने भाग लिया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। पंजाब दे विच असी सारे पुलिस, समाज, स्टेक होल्डर्स, सोशल ऑर्गेनाइजेशन सारे रल मिल के ड्रग्स के खिलाफ एक अभियान चला रहे हैं और उस दे विच पिछले कुछ समय दे विच बहुत सारिया सानू बड़िया कामयाबियां भी मिली हैं और ये बड़ी खुशी की गल है कि हुण ड्रग दे इशू की सीरीयसनैस अगे नालों काफ़ी हद तक घटी है, लेकिन फिर भी सानू हमेशा मुस्तैद रहना चाहिए है क्योंकि एक ऐसी समस्या है जिसका संबंध साड़ी आने वाली पीढ़ी नाल है। एक समा सी जदों इस समस्या दे करके असी यह महसूस करते सा कि हो सकता है कि साडा आने वाला भविष्य धुंधला होवे, लेकिन ये सारिआं वास्ते खुशी और हौसला अफजाई जी गल है कि साडीआं सब दीआं सांझीआं कोशिशां नाल बहुत हद तक इस समस्या नूं असी घट कर लिया है, काबू पा लिया है और अज के इस अवसर पर ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ये भी साड़ी उस वचनबद्धता का ही हिस्सा है। अमृतसर के वृंदावन गार्डन से भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई। इस रथ यात्रा में हजारों श्रद्धालु उमड़ पड़े। रथ यात्रा के दौरान भक्तों ने सड़क पर झाड़ू लगाकर सेवा भी की तो वहीं असंख्य लोगों ने महामंत्र का जाप कर अपने हाथों से रथ को खींचा। इस मौके पर वृंदावन गार्डन के प्रधान राजीव कपूर, मंदिर के प्रमुख सेवक नारायण दास प्रभु और सूरबी वर्मा ने नारियल पर कपूर जलाकर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की आरती उतारी। ये रथ यात्रा वृंदावन के गेट से आरंभ होकर अलग अलग बाजारों से होते हुए श्री श्री गौर निताई मंदिर में जाकर सम्पन्न हुई।
इस मौके पर नरेंद्र अरोड़ा, ओपी बुलानी सहित बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। हरे कृष्णा, आज वृंदावन गार्डन में बहुत ही धूमधाम से रथ यात्रा निकाली जा रही है। मुझे लगता है यहाँ ही वृंदावन मंदिर है। यहाँ कैसे लोगों की भीड़ जमा हुई है, धक्के पे धक्का चल रहे हैं। ये भगवान की श्रद्धा है, भगवान के प्रति भक्तों की श्रद्धा है। आज अमृतसर हरे कृष्णा नाम के नाम से गूंज रहा है और सब लोग यहाँ पे इकट्ठे होके आज हम रथ यात्रा और भगवान श्री जगन्नाथ जी का स्वागत। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इच्छाधारी मंदिर अड्डा रायपुर बलना पठानकोट रोड में बाबा बर्फानी के दर्शनों को जाने वाले भक्तों की सेवा एवं विश्राम हेतु 13वीं श्री अमरनाथ यात्रा भंडारे की शुरुआत भोलेनाथ के जयकारों के साथ की गई। इससे पहले करवाए गए शिव विवाह व लंगर आयोजन में शिव भक्तों ने उत्साह के साथ भाग लिया। इस अवसर पर विधायक रमन अरोड़ा, विधायक बाबा हेनरी, पूर्व सीपीएस केडी भंडारी, हिंद क्रांति दल के प्रधान मनोज नन्ना, समाज सेवक संदीप लक्की, पूर्व पार्षदपति महेंद्र सिंह गुल्लू, गगन गुल्लू, बलवीर सिंह सिंगापुरिया, रमेश नागर ने विशेष तौर पर शिरकत की। इस मौके पर विधायक रमन अरोड़ा ने सभी शिव भक्तों को बधाई देते हुए कहा कि शिव नाम रूपी गंगा में गोते लगाने से पापों से मुक्ति मिलती है, इसलिए हम सबको इस नाम का उच्चारण करना चाहिए। इस मौके पर श्री इच्छाधारी मंदिर के सभी पदाधिकारियों द्वारा आए हुए सभी गणमान्य लोगों को विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर राजेंद्र शर्मा, भगवान दास, अजय मल्होत्रा, नरेश शर्मा, काली, सोनू छाबड़ा, मीनाक्षी छाबड़ा, अशोक शर्मा, विजय महाजन, विजय प्रभाकर सहित बड़ी संख्या में शिव भक्त मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਭੋਲੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਅੱਗੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਤਬਾ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਜੈ ਭੋਲੇਨਾਥ, ਜੈ ਭੋਲੇਨਾਥ, ਜੈ ਜੈ ਜੈ। ਭੰਡਾਰਾ ਬਾਬਾ ਅਮਰਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਹ ਭੰਡਾਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਭੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਇਸ ਭੰਡਾਰੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲਗਾਤਾਰ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਭੁਲਾਖਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ 13ਵਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਜੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇੱਛਾਧਾਰੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 13ਵਾਂ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਭੰਡਾਰਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਆਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਬਹੁਤ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਲੰਧਰ ਇੱਛਾਧਾਰੀ ਬਾਬੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ।
जय भोले जय भोले जय बाबा बर्फानी भूखे को अन्न प्यासे को पानी। अज बड़ा खुशी का दिन है, हर साल की तरह साडा 13वां वार्षिक भंडारा जिहड़ा कि बाबा इच्छाधारी के स्थान से अड्डा रायपुर सूरपुर लगता है, अज छे विवाह के नाल असी भंडारा शुरू किया है, जिस दे विच श्री सेंट्रल हल्के दे MLA रमन अरोड़ा जी, पूर्व MLA KD भंडारी जी, मनोज नन्ना जी, रविंदर बेरी जी, सारे अज भोले शंकर का आशीर्वाद लैन आए आ। रमन अरोड़ा जी ने आके लंगर शुरू कराया सी, असी उन्होंने बड़े धन्यवाद आ। मेरे वीर शीतल बेद जी ने आना सी, उन्हें किसी कारण मैनू फोन आ गया, कहते पंडित जी असं अज नहीं आ सकते किसी काम जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने सानू सहयोग जो नहीं भी आए तो उन्होंने जोड़ा हाथ आ साडे सिर ते आ, उन्होंने हाथ के नाल ही असी उड़े फिरते हैं। ये प्रभु इच्छा तक चलेगा, घट तो घट 40 दिन तो जरूर चलता है, लेकिन वध हो जाए तो वह प्रभु की कृपा है। मैं फिर भी शीतल बेद जी का जिन्हों का साढ़े सिर से हाथ से साढ़े वो भीषम पितामा ने असी उन्हों का बड़ा सत्कार करते हैं, क्यों उन्होंने सहयोग के नाल ये सब कुछ चल रहा है। दैनिक सवेरा दे संपादक श्री देवी तला मंदिर के प्रधान उन्हों को बड़िया उच्ची पदवियां ने, महाराणी ने उन्होंने मेहर की है। जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ जय भोले। मां बंगला मुखी धाम गुलमोहर सिटी नज़दीक लम्मा पिंड चौक में स्थित मां पीताम्बरा के प्रसिद्ध सिद्ध स्थान में रविवार को मासिक मां बंगला मुखी हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मणों ने विधिवत रूप से गौरी गणेश पंचोपचार षोडशोपचार नवग्रह पूजन कलश पूजन उपरांत मां बंगला मुखी जी के निमित्त माला जाप कर किया। वहीं धाम के संचालक एवं संस्थापक नवजीत भारद्वाज ने हवन यज्ञ की पूर्ण होति के उपरांत हवन यज्ञ में आए हुए सभी मां भक्तों से अपनी बात कहते हुए कहा कि मनुष्य जीवन में जाने अनजाने प्रतिदिन कई पाप होते हैं, उनका ईश्वर के समक्ष प्रायश्चित करना ही एकमात्र मुक्ति पाने का उपाय है। उन्होंने कहा कि मां बंगला मुखी हवन यज्ञ में वह शक्ति है जो व्यक्ति के जीवन को बदल देती है। मनुष्य को अपने क्रोध लोभ मोह हिंसा संग्रह आदि का त्याग कर विवेक के साथ श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। तो वहीं इस अवसर पर श्रीकंठ जज राकेश प्रभाकर, समीर कपूर, अमरेंद्र कुमार शर्मा, नरेंद्रजीत सिंह, दिशांत शर्मा, नवदीप राजपूत, मुनीश शर्मा, नवीन सौरभ अरोड़ा, जोगिंदर सिंह, अमरजीत सिंह, बलजिंदर सिंह, किशोर शर्मा, मनीष कुमार, अशोक गिरी, अमित कुमार, वरुण चोपड़ा, आशम गिरी, केदार, सनी, सोनिया, अंकिता, संजीव शर्मा, अंकित शर्मा, पंकज, राजेश महाजन, बाबा खन्ना, संजय, पंकज, बाबा हलचल, विनोद खन्ना, मनप्रीत सिंह, डॉक्टर गुप्ता, सोनू छाबड़ा, सुनील जग्गी, अशोक शर्मा, प्रिंस ठाकुर, बलदेव सिंह, इकबाल, प्रवीण, दीपक सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जय मां बगला मुखी जी। आज मां बगला मुखी धाम जो कि गुलमोहर सिटी लम्मा पिंड चौक के नज़दीक स्थित है, मां के इस भव्य मंदिर के अज अलौकिक मासिक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। बड़ी बड़ी दूरों आई संगत ने हवन यज्ञ च शामिल हो के आहुतियां डालियां और अपने अपने जो भी मां के प्रति मन के भाव से वह प्रकट किए हैं। मां जगदम्बा के चरणों बारंबार यही प्रणाम है और अरदास बेनती है, जगदम्बा अपने सारे जिहड़े भगत है उन्होंने उत्ते अपना मेहर भरिया हथ रखो, शरीरिक निरोगता दो, घर परिवार सुख शांति दो। इस दे नाल मैं दसना चाहना कि जिहड़ी गुरु पूर्णिमा मां बगला मुखी जी की नाम लेवा संगत लई यह सूचना है कि वह मां बगला मुखी जी जिहड़े गुरु माता मानते हैं वह वीरवार को 6 जुलाई को मंदिर परिसर च आ के मां बगला मुखी जी को अपना गुरु धारण कर सकते हैं और जिन्हां दे गुरु माता जी है वो आके इत्थे प्रणाम करन और अपने जो भी पेट तिल फुल है श्रद्धा सुमन है महामाई के चरणों अर्पित करन और महामाई का आशीर्वाद लैन। इस दे नाल ही मैं फिर अपने सारे वैब पोर्टल सहयोगियों का समाचार पत्रां का जिथे जिथे तक ये सारिया न्यूज़ जांदियां उन्होंने मैं बहुत धन्यवाद है और कोटि कोटि ऋणी है जिहड़े वो इदां ही धर्म की जिहड़ी सेवा करदे आ रहे हैं। महामाई उन्होंने दिन दुगनी रात चौगनी होंदी रहे।
अमृतसर के न्यू अमृतसर में मंदिर निर्माण के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूरी धार्मिक परंपरा के अनुसार रथ पर श्री भगवान लक्ष्मी नारायण जी को सुशोभित किया गया। श्री दुर्गियाना मंडलियों द्वारा भगवान श्री ठाकुर जी का गुणगान किया गया। यह शोभा यात्रा न्यू अमृतसर से नेशनल सिटी होम गोल्डन गेट, शर्मा डेयरी, तारावाला पुल, शहीद मदन लाल ढींगरा क्षेत्र हाउसिंग बोर्ड, हरजिंदर नगर फोकल पॉइंट से होते हुए न्यू अमृतसर में जाकर संपन्न हुई। इस अवसर पर कमेटी के महामंत्री अरुण खन्ना ने बताया कि इस शोभा यात्रा का उद्देश्य लोगों को मंदिर निर्माण में अपना सहयोग देने के लिए किया जा रहा है। आने वाले दिनों में इस जगह पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा, जिसमें पूरी धार्मिक परंपरा के अनुसार धार्मिक कार्यक्रम करवाकर विग्रह सुशोभित किए जाएंगे। इस अवसर पर भाजपा नेता जगमोहन सिंह राजू, संकीर्तन चेयरमैन संजीव खन्ना, श्री बड़ा हनुमान मंदिर के चेयरमैन राकेश शर्मा, रोहित खन्ना, पंकज कुमार, राजकुमार, संजय मेहरा भी मौजूद रहे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज का पवित्र श्री दुर्गियाना तीर्थ जी जिहड़ा नवा मंदिर न्यू अमृतसर दे विच बनन जा रहा है, उस दे निमित्त अज शोभा यात्रा सारे न्यू अमृतसर च और बाहरली आबादियों के जोड़ा है घूमेगी। पहले असी शुकराना किया क्योंकि ये सारे क्षेत्र दिया माता भैन ने लगभग 3 साल तपस्या की है और 6 महीने तो महामंत्र का जाप कर रहे कि भी छेती तो छेती मंदिर का निर्माण हो जाए। उस निमित्त अभी सारे भगत सारे कदम लगे हैं, इस करके महाराज का खुद स्वयं जरा है ताकि सारे, क्योंकि पहले जरा है कि शोभा यात्रा जरूरी होंगी है, उस करके असी अज का कार्यक्रम रखे। मैं अनिल मल्होत्रा न्यू अमृतसर का निवासी हाँ। ये जी शोभा यात्रा वे वो न्यू अमृतसर के मंदिर के दुर्गियाना तीर्थ के मंदिर के संबंध में निकाली जा रही है। ये बड़ा भव्य मंदिर न्यू अमृतसर निवासियों वास्ते बड़ी खुशी की गल है कि यह मंदिर इतने बनन लगा है, जिस संबंध शोभा यात्रा बड़े लोगों ने भजन मंडलियां ने भाग लिया। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जालंधर के बस्ती गुजा इलाके में दिन दिहाड़े दुकान में घुसकर नशेड़ी युवकों ने दुकानदार का किया कत्ल, 8,000 की नकदी लूट हुए फरार। फिरोजपुर के गांव वा में तेज तूफान ने मचाई तबाही, पशु खुराक फैक्ट्री की शेड उड़कर 1 किलोमीटर खेतों में उड़ी। जालंधर के बीएसएफ हेडक्वार्टर में हॉकी ग्राउंड का उद्घाटन करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।